नमस्कार दोस्तों, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से एक बहुत ही सुंदर फिली, टू टीथ फिली आप लोगों के सामने वीडियो उसका लेके आया हूं मैं। और ये फिली जो है वो नॉट फॉर सेल है और ये एक अननोन फिली है। ये किसी ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं करती है, बट डेफिनेटली ये किसी अच्छे ब्लड को फॉलो करती है जिसका हमें पता नहीं है। दैट्स वाई इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अननोन फिली है। बाकी इसका एटीट्यूड और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है दोस्तों। बहुत ही कमाल का फीचर्स मेंटेन कर रही है, बहुत ही कमाल का एटीट्यूड मेंटेन कर रही है। और हाइट लगभग इसकी 62 है और इस तरह के जब एनिमल्स इस तरह के घोड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अननोन और नोन का सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि नोन में आपको पेडिग्री का पता होता है और अननोन में आपको पेडिग्री का पता नहीं होता है। जो कि पुराने समय से जो लोग घोड़े पालते हैं ये उनकी कहीं ना कहीं उनकी कमियां रही हैं, किसान लोगों की कहीं ना कहीं ये कमियाँ रही हैं कि वो पीछे से जो कि जो लाइनेज है उसको मेंटेन नहीं करते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। सिर्फ उनके लिए घोड़ा पालना सिर्फ एक बहुत ही एक आम बात है और वो एक नॉर्मल तरीके से घोड़ों की ब्रीडिंग करवाते हैं। बट ये होना चाहिए कि इस तरह के जब अश्व देखते हैं तो उनका ब्लड लाइन का हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के ब्लड, इस तरह के जो 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 प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो इस तरह के प्रोड्यूसर्स स्टैलियंस हैं, इस तरह के प्रोड्यूसर मेयर जो हैं वो लोगों को पता होनी चाहिए। दैट्स वाई वो उसी का कारण है कि कहीं ना कहीं नस्ल सुधार के लिए जो बड़े ब्रीडर्स हैं, जो ब्रीडिंग में अपना इंटरेस्ट जिन्होंने जो अच्छे से ब्रीडिंग करवाते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इसी तरह से नॉलेज है कि वो लोग पिछला अपना पूरा ब्लड लाइन और पूरी पेडिग्री का रिकॉर्ड रखते हैं। यही कारण है कि अच्छे अश्व लोगों के पास हैं और उनका पूरा पेडिग्री का लोगों को पता है। सो किसानों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अश्वों की पेडिग्री को फॉलो करें, अश्वों की पेडिग्री का विशेष तौर पर ध्यान रखें और आप एटलीस्ट जो आपके पास, कम से कम ये होना चाहिए कि जो आपके पास अश्व हैं उनका आपको आगे पीछे का थोड़ा रिकॉर्ड पता होना चाहिए, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि कुछ अच्छे ब्लड्स, जो अच्छे एटीट्यूड वाले एनिमल्स हैं, जो अच्छी हाइटेड, जो अच्छी हाइट मेंटेन करते हैं, अच्छा एटीट्यूड मेंटेन करते हैं, कम से कम उन अश्वों का पेडिग्री की जानकारी होना अश्व पालकों के लिए बहुत एक अच्छी बात है। सो दोस्तों, ऐसे ही अच्छे वीडियोस, ऐसे ही अच्छे एनिमल्स, अच्छे अश्व मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अच्छे से अच्छा अश्वों को उनको फिल्माया जाए और आप लोगों तक पहुँचाया जाए, जिससे कि एक अश्व पालक को अच्छा वीडियो देखने को मिले। और अगर उनके वो किसी वीडियो किसी काम का है उनके लिए, चाहे वो सेल परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी नॉलेज से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं उनके काम आ सके। तो हर एक यूट्यूबर की यही जो लोग प्रमोशन करते हैं और जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं यही एक ध्येय रहता है कि अच्छे अश्वों का दर्शन घर बैठे लोगों को हो जाए। सो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में जो आप फिली देख रहे हैं, टू टीथ फिली ग्रे कलर की, वो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिली नॉट फॉर सेल है इसलिए मैं कोई भी नंबर इसमें नहीं डालूंगा। सो धन्यवाद दोस्तों। और ये फिली अननोन है तो इसलिए मैं आपको इसका कोई पिछला पेडिग्री भी नहीं बता सकता। सो थैंक यू दोस्तों, इन्जॉय कीजिए वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।